वालेकुम। डिस्कस करेंगे टॉपिक 12.7 जिसमें हम गॉसेस लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से भी, न्यूमेरिकल्स में भी और लॉन्ग के हवाले से भी। इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो गॉसेस लॉ हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है कि अगर आप एक चार्ज की बात कर रहे हो तो उस चार्ज की कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब लेट्स सपोज हम अगर पॉजिटिव की बात करें तो उसकी फील्ड लाइंस ये आउटवर्ड हमें जाहिर हो रही हैं। वो फील्ड लाइंस अगर किसी एरिया में से पास आउट होती हैं तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, तो ये हमारे पास क्या है? फ्लक्स कहलाता है, इज इक्वल टू फाई। यहाँ पर अब हम गॉसेस लॉ से एक क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेक कर सकते हैं। और अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद हो ऑलरेडी, तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सिंपली हमें पता हो कि एरिया क्या है, हमें पता हो कि फ्लक्स कितना है, तो इंटेंसिटी को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। और यही हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में, जहाँ पर डिफरेंट शेप्स की, डिफरेंट तरह की ज्योमेट्रीज के हवाले से देखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये लॉ किस बारे में और किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब जब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो कहाँ से आती है? वो आती है चार्जेस से। इसका मतलब है हम किसको कंसीडर करने वाले हैं? बहुत सारे चार्जेस को। सेकेंडली हम क्या कर रहे हैं? एरिया को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम अपने जो सारी कंक्लूजन है उसको ड्रॉ करते हैं कि हम कह रहे हैं एक एरिया लिया है, ठीक है, उस एरिया के अंदर बहुत सारे चार्जेस बन कर दिए गए हैं। तो इस सूरत में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्या हो सकता है? अगर सिर्फ एक सिंपल चार्ज की बात करें जिसको इस एरिया के अंदर बंद किया गया है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है उसकी वैल्यू है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू क्या है? वो चार्ज जो के बंद किया गया है सरफेस के अंदर। और ये एप्सिलॉन नॉट हमें क्या बता रहे हैं कि मीडियम क्या होगा यहाँ पर उस सरफेस के अंदर। अब ये सरफेस कोई भी इनक्लोज्ड सरफेस हो सकती है, खुली हुई नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर एज उसका बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो अगर हम इसी को चेक करें, यहाँ पर भी हमने एक क्या ली है, इनक्लोज सरफेस, ये इतना सा भी पोर्शन नहीं खुला होना चाहिए, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जब हम ये बात कर रहे थे कि वो चार्ज जो बंद है उसके अंदर, तो वो एक चार्ज हो गया Q1, ठीक है। यहाँ पर लेट्स सपोज हम लिख देते हैं Q1। तो अगर देखा जाए ये Q1 हमने कह दिया बंद है इस सरफेस के अंदर, तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? Φ1, जो कि Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, एक और चार्ज लिया जो उसी मीडियम के अंदर रख दिया, मीडियम सेम रहा, इसका मतलब है यहाँ पर कोई 1, 2, 3 नहीं आएगा क्योंकि मीडियम सेम है। नेक्स्ट अब हम जब बात कर रहे हैं Q2 की, तो इसका मतलब है उस टाइम पर फ्लक्स क्या हो चुका है? Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट अगर हम Q3 की बात करें तो क्या हो जाएगा? Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर है? Φ3 के बराबर है। अब अगर हम चाह रहे हैं कि कलेक्टिवली देखें इस पूरी सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स मौजूद है, कितनी इंटेंसिटी होगी, कितना चार्ज मौजूद है, तो क्या करना पड़ेगा? इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो फ्लक्स हम टोटल अब लेने वाले हैं, और वो किसके बराबर हो जाएगा? Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट अप टू सो ऑन, जहां तक हमने इसका Qn तक सेलेक्ट किया है। अगर एप्सिलॉन नॉट देखें, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो वो सब में कॉमन है, कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लिया। क्या बच गया अंदर? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अप टू सो ऑन, Q4 प्लस अप टू Qn तक। अब जब ये सारा चार्ज बंद हो चुका है, इनक्लोज्ड है इन सरफेस, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं एज अ कैपिटल क्यू चार्ज, जो कि टोटली उसके अंदर मौजूद था सरफेस के अंदर। तो हमने इन सारों को कलेक्टिवली क्या कह दिया है कि ये हमारे पास है चार्ज कैपिटल क्यू, जो कि सरफेस के अंदर बंद है। और अगर वो बंद है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स डिपेंड करेगा जो टोटल चार्ज बंद है उस सर्टेन सरफेस के अंदर विद मीडियम यहाँ पर जो भी मौजूद होगा। तो यही हमें क्या बताया जा रहा है बाय द गॉसेस लॉ, और इससे क्या स्टेटमेंट बनी है कि जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स
क्यू कैपिटल चार्ज के ऊपर जो किसी सरफेस के अंदर बंद है। तो यहां से अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो इस तरह से लिखी गई है कि ये फ्लक्स बराबर है 1/ε0 टाइम्स कैपिटल क्यू चार्ज के जो कि इस सरफेस के अंदर बंद है। तो यहाँ से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं, और जब हम एप्लीकेशंस को जो कि नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस किया जाएगा उनकी बात करेंगे, तो इस फ्लक्स की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकेंगे।